हेलो बच्चों, हम बात कर रहे हैं जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स की। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर की पांच जनरेशन्स हैं। इसमें से पहली जनरेशन 1946 टू 1956, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की शुरुआत एनिका नाम के कंप्यूटर से हुई थी। एनिका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरोगेटर एंड कंप्यूटर, इसको बनाया था एकार्ट एंड मोचाली ने 1946 के अंदर। इन कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। वैक्यूम ट्यूब्स की खोज जॉन एब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में की थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर साइज में बहुत ज़्यादा बड़े थे, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम थी, मेमोरी भी कम थी, और इन कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज करना पॉसिबल नहीं था। इन कंप्यूटर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई थी, इसकी वजह से ये आम लोगों की पहुंच से बाहर था। मीन्स इसको बड़ी बड़ी रिसर्चिंग लैब्स के अंदर यूज़ किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, ये पंच कार्ड बेस्ड थे, मेमोरी के लिए, स्टोरेज के लिए इनके अंदर मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था। इनके अंदर एयर कंडीशन का यूज़ किया जाता था। इनका जो साइज़ था बहुत ज़्यादा बड़ा था, इस वजह से इनको एक रूम के अकॉर्डिंग ये बड़े थे। जितना एक रूम होता है इतने ही ये बड़े थे, और इनको ठंडा रखने के लिए बहुत सारे एयर कंडीशन का यूज़ किया जाता था। इन कंप्यूटर के अंदर मशीनी और असेंबली दोनों लैंग्वेज का यूज़ होता था। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की, 1956 टू 1964। इन कंप्यूटर के अंदर अब वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की खोज विलियम शॉकली ने की थी 1947 के अंदर। इन कंप्यूटर की विशेषताएं कुछ ऐसी थी, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की विशेषताएं कि हम बात करते हैं। इन कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। इन कंप्यूटर के अंदर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले कम एनर्जी यूज होने लगी और रिलायबिलिटी भी स्मॉल होती। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इन कंप्यूटर की स्पीड बढ़ने से ये फास्टर हो गए और रिलायबल भी ज़्यादा थे फर्स्ट कंप्यूटर के मुकाबले में। इनकी कॉस्ट भी कम हो गई फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले, इनकी कॉस्ट भी कम हुई। इनके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होने लगा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक कोबोल एंड फोर्ट्रॉन। इन कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज होने लग गया।